जनआवास सोसाइटी द्वारा आज आयुक्त नगर निगम की अनुपस्थिति के चलते रमेश कुमार अधीक्षक अभियंता को नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियां विकसित करवाकर सरकार को करोड़ों के घोटाले की जांच को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। जनआवास सोसाइटी के प्रधान तथा पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी ने बताया कि गोहाना रोड पर आरजी विलेज के नाम से काटी जा रही अवैध कॉलोनी में पहले जीजी स्पिनिंग मिल हुआ करती थी, जिसमें नक्शा व सीएलयू के नाम पर सरकार को 8,85,06,480 रुपए का नुकसान माना गया था और उसमें नगर निगम के 3-4 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद भी फैक्ट्री मालिक राजीव गर्ग द्वारा फैक्ट्री को तोड़कर उसमें आरजी विलेज के नाम से अवैध कॉलोनी काटनी शुरू कर दी गई, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा राजीव गर्ग को कई बार 2014 से 15 तक शो कॉज नोटिस जारी किए गए, लेकिन इन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज हम लोग एक गोहाना रोड के ऊपर आरजी विलेज के नाम से अवैध कॉलोनी कट रही है। उससे पहले वहां पे जीजी स्पिनिंग नाम की फैक्ट्री होती थी, जिसमें सरकार को नक्शा पास करने में सीएलयू के नाम के ऊपर 8,45,06,480 रुपए का नुकसान आंका गया था। कुछ समय बाद फैक्ट्री मालिक राजीव गर्ग द्वारा वह फैक्ट्री तोड़ दी गई। फैक्ट्री तोड़ने के बाद अब उसके अंदर आरजी विलेज के नाम से एक अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। यह 8,85,06,480 अब भी बकाया है, जो सरकार को देना है, सरकार की हानि है। 2014 में इस अवैध कॉलोनी का शो काज नोटिस जारी किया गया नगर निगम द्वारा कि आप इसमें अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, आप इसको तोड़िए, नहीं तो नगर निगम इसको ध्वस्त करेगी। लेकिन बड़े अधिकारियों से रसूख के चलते और इन्हीं नगर निगम के अधिकारियों के मिले भगत के चलते उस कॉलोनी को आज तक छेड़ा तक नहीं गया। 2015 में तत्कालीन एक्शन कार्यकारी अभियंता उन द्वारा 18 एकड़ जमीन की 1,000 गज के नोड यूज सर्टिफिकेट जारी किए गए। 18 एकड़ जमीन का टुकड़े करके 1,000 गज के कि हमारा नगर निगम का कोई बकाया नहीं है। उस 1,000 गज में तहसील कार्यालय द्वारा उसकी गिफ्ट डीड की गई, जो कॉपी में 7 लगा रही। उस गिफ्ट डीड में राजीव गर्ग और उसके रिश्तेदारों के नाम 1,000 गज के टुकड़े कर दिए गए 18 एकड़ जमीन के। और गिफ्ट डीड थी, दूसरा कृषि भूमि की रजिस्ट्री हुई, वह सरकार को करोड़ों रुपए का यहां से हानि हुई, तहसीलदार की मिली भगत, नगर निगम की मिली भगत के चलते। उसके बाद 2013 में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम इनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं कि कॉलोनी अवैध है, इसके अंदर नगर निगम ने नक्शा नंबर 173 174 दो नक्शे रेजिडेंशियल पास कर दिए गए। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा घोटाला, लगभग 40 से 50 करोड़ का घोटाला इन अधिकारियों ने मिली भगत करके सरकार को के पहुंचाया है। इसमें हमारी मांग है कि जो फैक्ट्री मालिक है, उसके रिश्तेदार, नगर निगम के जितने लोग अधिकारी इस षड्यंत्र में शामिल है, इस घोटाले में शामिल है, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और उनको तत्काल प्रभाव से अंदर डाला जाए, उन लोगों से इसकी रिकवरी कराई जाए। इसके साथ साथ 1,000 गज से लेकर के 3,000 गज तक जितनी भी पानीपत में रजिस्ट्रियां हुई हैं, उसमें 90% रजिस्ट्रियां ऐसी हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज के नाम पर चल रही हैं। 1,000 से 3,000 गज की जो कृषि भूमि के नाम पर रजिस्ट्रियां होती हैं, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कॉलोनी काटने का काम होता है। इससे सरकार को लगभग हजारों करोड़ का केवल पानीपत में ये घोटाला है। इसकी मैं चाहता हूँ सीबीआई की जांच हो और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। रजिस्ट्रियां होने से पहले तहसीलदार को जांच करनी चाहिए कि यह किस चीज के लिए रजिस्ट्री कराई गई है। समय समय पर उसकी जांच होती रहनी चाहिए। आज शहर के अंदर यह बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, 1,000 गज की रजिस्ट्रियां कराओ और अपनी फैक्ट्री बना लो। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आम गरीब आदमी की लड़ाई हमारी है, क्योंकि जो लोग टैक्स देना चाहिए जिन लोगों को, वो सरकार की चोरी करते हैं और गरीबों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं से उनको वंचित किया जाता है। तो इसके खिलाफ हमारी जनआवास सोसाइटी की लड़ाई है।